हेलो एंड वेलकम एंड सो सॉरी दोस्तों, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है हमारा फेसबुक लाइव टूट गया, लेकिन हम प्रज्ञा जी से बात कर रहे थे और हम वही सवाल से उसको कंटिन्यू करेंगे जैसा हमने उनसे पूछा था कि वो क्या बदलाव चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को पूरे विश्व में और किस तरह के चेंजेस वो एक्सेप्ट करती हैं हमारे सरकार से चाहे लोगों से। तो बिल्कुल हम वहीं पे थे और प्रज्ञा जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। जी बिल्कुल। तो जो मतलब नेटवर्क के कारण जो ऑलरेडी पॉइंट्स बोल चुकी हूँ जिससे लिसनर्स बोर ना हो जाए, सो आई विल कंटिन्यू विद जहाँ से मैं छोड़ा था कि जो मोटिवेशन की बात कर रही थी मैं, कि मुझसे उतना ही मोटिवेशन लीजिएगा जितना आप कोई इंसान जो कि एक गरीब तबके से हो एंड बहुत मुश्किल से एंड बहुत ऑड्स फेस करके वो आगे बढ़ा हो, या फिर कोई एक दलित इंसान हो जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा हो और फिर भी अपने हौसले बुलंद रखे हो उसने, या कोई एक मुस्लिम जो कि कई बार जिसे ये बोला गया हो कि आप जिसको टेररिस्ट की नजरों से देखा गया हो, तो या कोई वुमन जो कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हो जहाँ पे उसको नहीं इंकरेज किया गया हो, शायद उसको यू नो इन्फेंटिसाइड की तरह मारने की कोशिश भी की गई हो, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही हो, तो आप मुझसे उतना ही मोटिवेशन लीजिएगा जितना आप इन लोगों से लेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम्स की नेचर डिफरेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट तो होगा ही शायद, यू नो मैं कहूंगी कि कुछ केसेस में मुझे उनका ज्यादा लगेगा, अपना कम लगेगा, सो नेचर एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बस ऑप्शंस सबके पास दो ही हैं, या तो आप हार मान के बैठ जाइए, विच ऑल्सो आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी डिफिकल्ट, एंड या फिर आप कोशिश करते रहो, इफ नॉट दिस वे देन ट्राई एंड सर्च फॉर अनदर वे एंड कीप ट्राइंग, सो या दैट्स इट, थैंक यू। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमने प्रज्ञा जी को सुना, इनके विचारों को सुना, एंड आई होप कि इनसे सुनकर आप सभी को भी बहुत मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिला होगा और ये हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं। दोस्तों, हमारा जो नेटवर्क ख़राब होने के कारण हमें इसको दूसरे पार्ट में करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे हौसले मजबूत हैं और बिल्कुल ये जो मेरी छोटी सी कोशिश है ये बरकरार रहेगी और मैं ऐसे ही आपको अपने बीच अपने नए दोस्तों के लेके आता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपको उनसे मिलाता रहूँगा और हम सीखेंगे जानेंगे कि हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चाहे किसी प्रकार की उनको दिव्यांगता हो, डिसेबिलिटी हो, कोई भी इस तरह की परेशानी हो। तो आप भी छोटे से कार्य में मेरा सहयोग दें, आप भी अपने आसपास के जितने लोग रह रहे हैं उनको प्यार सम्मान दें, उनको मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों अगर हम अपना हाथ किसी के लिए नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे लिए क्यों बढ़ाएगा कोई। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा, तो थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी, बिल्कुल आपके वजह से ही जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके मोटिवेशन से हमको मोटिवेशन मिलती है, एंड आई होप कि दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मोटिवेट रहें, मोटिवेट करते रहें, मैं फिर आऊँगा अपने किसी नए दोस्त के साथ और आपको इंस्पायर करता रहूँगा जो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। दोस्तों, तब तक के लिए सी यू, बाय, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट।